हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि कन्यादान महादान, बिल्कुल इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर के गढ़साणा भगत सिंह नगर में, जहां एक अनूठा सामाजिक कार्य है और इसके साथ साथ लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं के द्वारा एक मुख्य कार्य जो है कुछ ही दिन बाद किया जाने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं जेन स्टार बाल भारती के संस्थापक और श्री राधा किशन कमेटी के सदस्य विनोद जी कारकवाल। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत सर। आपके द्वारा एक अनूठा कार्य जी शुरुआत की जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं संपूर्ण इलाका निवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और नोटिस में करवाना चाहूँगा कि इसी मकर संक्रांति के दिन आपके सहयोग से हम 5 ज़रूरतमंद बेटियों की शादी करवा रहे हैं और इस बात को आगे तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ में इस चैनल से पहुँचे विकास सिपारिक और राकेश जी ठकरानी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। बिल्कुल सर, एक सामाजिक कार्य, कहीं ना कहीं आप हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं और कन्या का विवाह, क्योंकि हिंदू संस्कृति में कन्यादान को महादान माना गया है, ये प्रेरणा सर कहां से आई? ये प्रेरणा तो देखिए कहां से आई, कुछ युवा साथियों की टीम, कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद। शुरू से ही दिमाग में ऐसी बातें चलती है कि चाहे सामाजिक कार्य कोई भी हो, गरीब बेटी की शादी करवाना हो या अन्य कोई भी सामाजिक कार्य हो, हमारे बुजुर्गों से, युवा साथियों से, आप जैसे भाइयों से प्रेरणा मिलती है और उन्हीं की बदौलत ये सारे के सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं। उसी की बदौलत चलते हुए आज इतना बड़ा कार्यक्रम उनके प्यार और आशीर्वाद से हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं विवाह, सामूहिक कन्या विवाह जी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए विकास जी, इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा की बात है, इसमें बहुत बड़ी एक टीम कहें, बहुत सारे लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, जैसे हमने ये बीड़ा उठाया, विभिन्न लोगों से हमने बातचीत की तो उसके अंदर ये आया कि बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ सभी खड़े मिले, तो उन्हीं की बदौलत आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें हम बरात स्वागत का कार्यक्रम, जयमाला का उसमें कार्यक्रम, सम्मान समारोह विभिन्न भामाशाहों का जिसमें इनका योगदान रहता है और अभी भी रहेगा, उनका सम्मान कार्यक्रम, बरात के लगभग रोटी पानी की व्यवस्था, तमाम जितनी भी एक बेटी के शादी से लेकर के व्यवस्थाएं रहती है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आप सभी के प्यार और सहयोग से रहेगी। बिल्कुल, क्या पूर्व में भी इस प्रकार के कार्य आपकी कमेटी द्वारा किए गए हैं? बिल्कुल विकास जी, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन पिछले 14 मार्च को हमारे जो स्कूल बंद की कंडीशन आई हमने किए, तब से लेकर के आज दिनांक तक विभिन्न लोगों के सहयोग से, विभिन्न कमेटियों के सहयोग से, विभिन्न भामाशाहों, दानदाताओं, माता बहनों के सहयोग से हम 13 शादियाँ जो घरों में जाकर करवा चुके हैं। ऐसा कोई भी परिवार आया हमारे सामने, हमने उनकी कंडीशन देखी, कंडीशन बहुत बुरी थी, तो 13 शादियाँ आज तक हम करवा चुके हैं। इसके साथ साथ मैं सामाजिक कार्यों में आपको बता देना चाहूँगा कि राहत समूह है गढ़साणा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम उभर करके समाज सेवा के रूप में इलाके में आया, उनके आशीर्वाद से, विजय जी मीणा जो हैं उनके आशीर्वाद से विभिन्न लोगों को दवाइयाँ पहुँचाना, विभिन्न लोगों को राशन की व्यवस्थाएँ करवानी और तमाम जितनी भी इस COVID-19 के तहत विपरीत परिस्थितियों में जो लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, हमने भरपूर विभिन्न कमेटियों के, विभिन्न माताओं बहनों के, विभिन्न दानदाताओं के सहयोग से बहुत सारे सामाजिक कार्य करवाए। बिल्कुल, लगातार आपके द्वारा, चाहे वो कोरोना महामारी है या एक समाज के प्रति जो कार्य होता है, उनमें कहीं ना कहीं जागृति आपकी हमेशा रहती है, तो इस बार जो तमाम लोग हैं, इलाकावासी हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी विडंबना होती है एक गरीब परिवार में बेटी को पिता के लिए विदा करना, और मुझे आशा इन्हीं पूरा विश्वास है कि जो बीड़ा आप सभी के सहयोग से
आपने और हमने उठाया है उसमें 100% सफल होंगे। मैं कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक सहयोग मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम में शरीक होकर के इन गरीब बेटियों की शादी के अंदर इनकी खुशियों के साक्षी बने और अधिक से अधिक सहयोग कर इन बेटियों को आशीर्वाद प्रदान करें। सर, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है एक भव्य कार्यक्रम, कहीं ना कहीं एक अनूठी पहल की शुरुआत जो है आपके द्वारा और आपकी कमेटी द्वारा की जा रही है। मुख्यतः इस कार्य का जो प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम का जो स्थान है वो कहाँ है सर? गढ़साना के अंदर ग्राम पंचायत 24 SC का वार्ड नंबर 8 है, जहाँ की श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थापित है। उस मंदिर के प्रांगण के अंदर ये विशाल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत 24 SC वार्ड नंबर 8 भगत सिंह नगर श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, आपकी जो कमेटी है राधा कृष्ण कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई और इसमें मुख्यतः क्या क्या कार्य रहते हैं? राधा कृष्ण मंदिर कमेटी की जहाँ तक बात है, ये कमेटी लगभग 15 साल से कार्यरत है और राधा कृष्ण मंदिर कमेटी के अंदर बहुत सारा सहयोग विभिन्न दानदाताओं का रहता है और लगभग इनका मुख्य कार्य होता है जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है वो पर्व ये कमेटी बड़े धूमधाम से मनाती है और उसके बाद में धीरे धीरे ये कमेटी का रुझान विभिन्न सामाजिक कार्यों के अंदर हुआ, जिसका रूप आज आप 14 जनवरी को देख रहे हैं। बिल्कुल, 14 जनवरी को एक बड़ा पर्व गढ़साना इलाके के लिए रहता है और भारत विकास परिषद के द्वारा भी कन्याओं की शादी की जाती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना वैश्विक महामारी के कारण कहीं ना कहीं उनकी जो कार्य है, कार्यक्रम जो है, उसको कहीं लॉकडाउन में लॉक कर दिया गया है। लेकिन ये अनूठी शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी कमेटी के द्वारा, आपके द्वारा, आपके दिमाग में और आपके सोच के अंदर किस प्रकार आई? देखिए, जहाँ तक भारत विकास परिषद की बात है, वो एक बहुत बड़ी संस्था है, जो उनके द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं उनका हम अपने शब्दों में बखान करना हमारी पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे जो भारत विकास परिषद कमेटी है गढ़साना शाखा की, उसमें प्रवीण जी गर्ग हैं, रवि जी शास्त्री हैं, परविंदर जी सर हैं श्रीराम स्कूल से, जयदीप जी महेश्वरी है और तमाम उनके साथ में जितने भी कमेटी परिवार के हैं उनसे भी ये मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि आप सर पहले बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाते रहे हैं और परिषद परिवार जो है अब की बार नहीं करवा पा रही किसी कारणवश, तो हम आपके साथ में हैं। तो बहुत बड़ा मुझे जो ताकत है इस कार्यक्रम को करने की उनसे मिली, तो मैं इस कमेटी का भी, परिषद परिवार का बहुत बहुत आभारी रहूंगा इस बात के लिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विनोद जी कारकवाल, इलाके के समाज सेवी और हर एक सामाजिक संबंधित प्रत्येक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और राधा कृष्ण कमेटी द्वारा मकर संक्रांति 14 तारीख सुबह 10 बजे एक भव्य कार्यक्रम सामूहिक विवाह, क्योंकि हिंदू संस्कृति में कन्यादान महादान माना गया है। तो तमाम हमारे चैनल को देखने वाले तमाम साथियों को, तमाम हमारे जो लोग हैं उनसे अपील करते हैं कि 14 तारीख को भगत सिंह नगर वार्ड नंबर 8 राधा कृष्ण मंदिर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। हिंदू संस्कृति के अनुसार और सिख समुदाय के अनुसार तमाम जिस प्रकार, चाहे सिख कमेटी से हो या हिंदू से हो, तमाम उसी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सिख रीति रिवाज के अनुसार ही इस कार्यक्रम को जो है वो किया जाएगा। और तमाम लोगों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और तमाम जो वर वधु है उनको आशीर्वाद दें। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, अक्ष ठकराणी, गढ़साना।